our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hello friends, welcome back to my channel. और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल आउटफिट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. ये एक कोट सेट है और ये मैं ब्लैक कलर की साड़ी से बनाने वाली हूँ. टॉप में हम फ्रंट में बहुत सारे गैदर्स यूज़ करेंगे और स्लीव हम पफ स्लीव बनाएंगे और स्कर्ट हम ए लाइन स्कर्ट बनाएंगे विद लेग स्लीव. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. तो देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. सो आउटफिट बनाने के लिए मैंने इस मटेरियल लिया है जिसमें कि मैंने सबसे पहले ये बॉबिन इलास्टिक ली है ब्लैक कलर की जो कि हम बैक बॉडीज में यूज़ करेंगे. और ब्लैक कलर की मैंने कंसील जिपर लिया है और 2 मीटर मैंने कॉटन की लाइनिंग का फैब्रिक लिया है. और मैंने ब्लैक कलर की क्रेप की साड़ी ली है जिससे कि हम आउटफिट बनाएंगे. तो सबसे पहले हम पैटर्न बनाएंगे. तो पैटर्न के लिए मैंने सबसे पहले मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ 17 इंचेस जो कि हमारी है शोल्डर टू वेस्ट प्लस 3 इंचेस. और दूसरी साइड पे भी हमने 17 इंच पे एक निशान लगा लेना है और उस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे. और यहाँ पे हमने 20 इंच का निशान लगाना है जो कि है हमारी हाफ ऑफ बस्ट प्लस 3 इंचेस. ये हमारी विड्थ है और विड्थ के लिए हमने 20 इंच पे निशान लगा देना है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे. और ऊपर की साइड पे भी हमने 20 इंच पे एक निशान और लगाना है और एक बॉक्स बना लेंगे. और ऊपर शोल्डर पे हमने 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है और आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे. और दूसरी साइड पे भी हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है और नीचे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे. तो ये हमारा होगा बस्ट एरिया और ये होगा हमारा आर्म होल. यहाँ पे हम गैदर्स बनाएंगे. ये साइड सेम होगी और ये भी हमारी साइड सेम होगी. अब हम इसे कट कर लेते हैं और इसके हमने 4 पीसेस कट करने हैं फैब्रिक में. तो हमारा पैटर्न कट हो गया है और स्कर्ट का पैटर्न कट करने के लिए हमने पहले पैटर्न पेपर को फोल्ड करके रखना है और ऊपर हमने 1/2 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके नीचे हमने 8 इंच के लिए एक निशान लगाना है जो कि हमारा हिप होगा. और यहाँ पे हमने जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हिप है उसका निशान लगाना है तो इसे हम स्ट्रेट कर देंगे. और लेंथ में ले रही हूँ 28 इंचेस और इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे. और ऊपर हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वेस्ट में ले रही हूँ 8.2 इंचेस और हिप के लिए मैं 10 इंचेस पे निशान लगाऊंगी जो कि होगा 1/4 हिप + 1 इंच. और हेम के लिए मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी जो कि होगा 1/4 हिप + 4 इंचेस. और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और ऊपर बेस तक मिला देंगे और हिप कर्व की हेल्प से हम कर्व शेप दे देंगे. और नीचे हमने बेस पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इसे भी हल्का सा कर्व शेप दे देंगे बेस की बाहर साइड पे. और हेम की साइड पे भी हमने 1/2 इंच पे निशान लगा के कर्व शेप दे देना है हेम पे. अब हम बेस का मिड पॉइंट मार्क करेंगे जो कि मेरा आता है 4.1 इंच. और 4.1 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और ये निशान हमने नीचे तक लगाना है. इस निशान पे हम स्लिट बनाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन हम दोनों साइड पे लगा देंगे. और सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारा 1/2 इंच का मार्जिन हो गया. अब हम इसे कट कर लेते हैं.
तो ये हमारी स्कर्ट का पार्ट हो गया। और एक साइड पे हम डार्ट बनाएंगे, तो डार्ट की लेंथ मैंने 5 इंच ली है और विड्थ मैंने 1 इंच ली है। और स्लिट में 15 इंचेस रखेंगे। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और पैटर्न को रख के मैं इसे ड्रॉ कर लूंगी और इसे कट कर लेंगे। हमें ये टोटल 2 पार्ट चाहिए फ्रंट के, जो कि मैं 4 ले रही हूँ। 2-2 पार्ट हम यूज करेंगे गैदर्स के। तो पहले हम पिन कर लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट बॉडीज की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक बॉडीज के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 12 इंचेस, जो कि है अपर बस टू वेस्ट प्लस 2 इंचेस। और मैंने विड्थ ली है 36 इंचेस, जो कि है हमारा जो हिप का टोटल मेजरमेंट होता है वो। और इसमें हम स्मोकिंग्स बनाएंगे, यानी कि इलास्टिक से हम हमारा जो बॉडी से वो रेडी करेंगे। और ये 2 पार्ट है। और स्लीव की विड्थ मैंने 20 इंचेस ली है और स्लीव की लेंथ मैंने 28 इंचेस ली है। साइड पे हमने ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे 4 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से दोनों साइड पे हमने मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारे आर्म होल्स हैं और इन्हें हम कट कर देंगे। अब हम स्लीव को फोल्ड कर लेते हहैं और स्लीव की ओपनिंग के लिए मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसे हम ऊपर तक मिला देंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव कट करने के बाद हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और पैटर्न को भी फोल्ड करके रखा है फैब्रिक पे और उसे हम ट्रेस कर लेंगे। और ट्रेस करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और हम पहले हम जो डार्ट का हमने जो मार्जिन लिया था उसका हमने निशान लगाना है, यानी कि 4.1 इंच पे हमने निशान लगाना है इस तरीके से। और लेंथ में डार्ट की ले रही हूँ 5 इंचेस और विड्थ में ले रही हूँ 1 इंचेस और इसे हम ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक पे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कट कर लेंगे। और ऊपर वेस्ट पे भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं और जो हमने स्लिप मार्क करी थी उसको भी हम फैब्रिक पे भी हम उसका निशान लगा लेते हैं। जो हमारा पैटर्न है वो फ्रंट और बैक के लिए सेम ही है, बस फ्रंट में हमने ये स्लिट वाला निशान लगा के कट कर लिया। तो ये देखिए मैंने फ्रंट स्कर्ट की कटिंग कर ली है लाइनिंग के साथ में और मेन फैब्रिक में सेम ऐसे ही हमने बैक की भी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए मैंने बैक की लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब जो हमने बैक बॉडीज कट कर रहा था उसके लिए हमने नीचे 4 इंच पे और ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाना है और दूसरी साइड पे भी सेम मार्क करना है। 1.5 से 2 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं, यानी कि स्लीव में और बॉडीज में सेम ही निशान लगाना है और उसे हम कट कर लेंगे। अब हमने ऊपर से 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है बॉडीज को और सिलाई लगा लेनी है और नीचे भी हमने 1/2 इंच पे फोल्ड करना सिलाई लगा लेनी है। बैक बॉडीज के लिए भी मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक लाइनें खींच लेनी है
सो ये देखिए मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली है और इस पे अब हम स्मोकिंग बनाएंगे। तो नीचे हमने बॉबिन इलास्टिक भरी इसकी हेल्प से हम ये गैदर्स बना पाते हैं। तो ये देखिए हमारा बैक बॉडी रेडी हो गया है। अब हम इसमें 12 इंचेस की प्लास्टिक डालेंगे जो कि हमने शोल्डर मार्क किया था 5.5 इंचेस, इसका फुल होता है 11 इंचेस और 1 इंच उसमें हम ऐड करके सिलाई के लिए 12 इंच की जो इलास्टिक है वो हम बॉडीज में हम डाल देंगे और नीचे के साइड में भी हमने इंसर्ट करनी है और इसे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल ली है नीचे भी और ऊपर भी। अब हम फ्रंट बॉडी स्टिच करेंगे। तो हमने इस तरीके से जहाँ पे हमने पिन लगाई वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और आर्म होल और साइड सेम को स्टिच नहीं करना है और इसे टर्न करके हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए तो ये दो पार्ट रेडी हो गए। अब हमने आर्म होल पे एक सिलाई लगानी है, लूज स्टिच देनी है एक और यहाँ पे हम गैदर्स बनाएंगे। तो गैदर्स हमने उतने बनाने हैं जितने हमारे स्लीव में जितना हमारा आर्म होल आ रहा होगा उतना ही हमने गैदर्स बनाने हैं। अब हम दोनों साइड सीम पे भी एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हमने गैदर्स डालने हैं। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे गैदर्स डालने हैं और दूसरी साइड में हमने 4 इंच पे गैदर्स डालने हैं। तो ये 4 इंच से थोड़ा कम आ रहा था, ज्यादा आ रहा था तो हमने 4 इंच कर लिया। तो ऐसे ही हमने दो बॉडीज रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड सीम्स को मिला के रखना है और ऊपर का जो 1.5 इंच हमने जो मार्जिन है वो छोड़ना है दोनों साइड पे। एक साइड पे ये ओवरलैप करेगा इस तरीके से साइड पे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट बॉडीज रेडी हो गया है। अब हम इस पे बैक बॉडीज को स्टिच करेंगे। तो साइड सीम पे मिलाते हुए हमने रखना है बॉडीज को और सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पहले पिन कर लिया था, अब हम 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो ये देखिए हमारा बॉडी रेडी हो गया है। और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव्स को ऊपर की साइड से 1/2 इंच फोल्ड करना है और नीचे की साइड पे भी हमने 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक मैं ले रही हूँ 8 इंचेस जो कि होती है शोल्डर टू अपर बस्ट, डबल ऑफ शोल्डर टू अपर बस्ट, यानी कि 4 इंच है तो उसका 8 इंच हो जाएगा। तो 8 इंच ही मैं स्लीव के आर्म होल के लिए ले रही हूँ और 8 इंच ही मैं स्लीव की ओपनिंग के लिए ले रही हूँ। और सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने ये इंसर्ट कर लेनी है इलास्टिक और पिन से सिक्योर कर लेंगे दोनों एंड्स को। और ऐसे ही हमने इलास्टिक नीचे बॉटम में भी लगानी है स्लीव पे। ये देखिए मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर लिए और अब हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे और साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए स्लीव मैंने फिनिश कर ली है और मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है स्लीव्स को और अब हम इसे बॉडीज के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्लीव्स है उसको बॉडीज के साथ में पिन से अटैच कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच करना है बॉडीज के साथ।
तो देखिए हमने स्लीव अटैच कर ली है और जो हमारा टॉप है वो रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम स्कर्ट फिनिश करेंगे। तो मैंने दोनों डार्ट को पिन करके रखा है, सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट में भी पिन करके रखा है और हाफ इंच पे सिलाई लगा लेंगे हम और 15 इंच तक हमने स्लिप को स्टिच करना है और डार्ट भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने डार्ट स्टिच कर ली है और स्लिप को भी मैंने स्टिच कर लिया है और अब जो हमने ओपन रखा है पोर्शन उसको हमने 1/4 फोल्ड करना है और हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे। तो मैंने ये पिन कर लिया था पहले। तो देखिए मैंने स्लिट को स्टिच कर लिया है और दोनों स्कर्ट को मैंने पिन करके रखा है साइड सीम पे और हमने सिलाई लगा लेनी है। और राइट साइड पे मैंने ये जिपर लगानी है जो कि मैं 9 इंच तक लगाऊंगी और इसके नीचे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने साइड सीम पे सिलाई लगा ली है और मैंने जिपर भी अटैच कर लिया है। अब हम वेस्ट बैंड कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को पहले फ्यूज करके रखा है और डबल फोल्ड में रखा है। उस पर हमें इस तरीके से स्कर्ट को रखना है और वेस्ट को मार्क कर लेंगे इस तरीके से और नीचे भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और हमने नीचे 4 इंच पे निशान लगाना है। जो हम लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। ये हमारी फेसिंग है और 1/2 इंच का मार्जिन हम दोनों साइड पे लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने एक साइड पे सिलाई लगानी है और नीचे से हमने एक पैर की सिलाई भी लगा लेनी है। तो देखिए मैंने वेस्ट बैंड स्टिच कर लिया है और अब हम इसे अटैच करेंगे स्कर्ट के साथ में। तो हमें एक डोरी चाहिए तो मैंने ये 1/2 इंच की एक डोरी स्टिच करके रखी है और एक लूप भी स्टिच करके रखा है। तो हमने डार्ट के बीच का मार्जिन लेना है, एक मिड पॉइंट लेना है, एक निशान लगा देना है वहाँ पे और वहाँ पे हमने इस लूप को अटैच करना है। पहले हम इसे पिन कर लेते हैं, दोनों डार्ट के बीचों बीच हमने इसे पिन करना है। अब ऊपर हमने इस तरीके से वेस्ट बैंड को रखना है और सिलाई लगा लेनी है और फिर हम इसे टर्न कर लेंगे। और साइड पे हमें जिपर पे भी इसको अटैच कर देना इस तरीके। ये तो ये देखिए हमारी जो फेसिंग है वो अटैच हो गई है वेस्ट के साथ में। और अब हमने नीचे की जो हेम है उसे भी हम 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी हेम भी फिनिश हो गई है और जो डोरी है वो हमने लूप में इंसर्ट कर ली है और हमारा आउटफिट रेडी हो गया है। सो हियर इज द फाइनल लुक। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.